मास्क ना पहनने को लेकर सदर पुलिस की टीम ने हमीरपुर बाजार में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के नियमों को तोड़ने को लेकर चालान काटे। थाना प्रभारी संजीव गौतम की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने बाजार में बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। 15 लोगों के मौके पर ही चालान काटकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। कई लोग अभी भी बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क ना पहनकर दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी कर रहे हैं। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग खुद को तो खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। पुलिस कर्मियों को ऐसे लोगों पर नजर रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है कि नियमों का सबको पालन करना चाहिए, तभी इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। जब भी कोई नया नियम या नई शुरुआत होती है तो थोड़ा सा पब्लिक रिजेंटमेंट होता है, पर काफ़ी सारे लोग जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो इस बात की अहमियत समझ रहे हैं। जैसा आप बाज़ार में देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहन रखा है। कुछ छिटपुट लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं या उसे सही ढंग से नहीं पहन रहे हैं। तो जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं हम उनके चालान कर रहे हैं। उनको हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को रिस्क कर रहे हैं। तो इस मुहिम में अभी तक हमने 10 से 11 चालान काटे हैं और ये मुहिम काफ़ी दिनों से चलाई जा रही है माननीय कृषि अधीक्षक महोदय जी के निर्देशानुसार, और इसमें हमें जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी फिलहाल जो पहली बार अपराध कर रहा है या पहली बार नहीं लगा रहा है उसको डिपेंडिंग अपॉन दी सीरियसनेस वो कैरी नहीं कर रहा है या लगा नहीं रहा है, इससे आपसे उसको फाइन किया है दुकान। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन वन प्रोटेक्स्ट ऑन दी अदर कई बार अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। मास्क कई रैलियों में जो है वो मास्क जो कम लगाए जा रहे हैं और दूरी भी कम बनाई जा रही है। इसमें जो पुलिस पुलिस चलान कर रही है, रैली आती है आ जाती है। पुलिस का अच्छा प्रबंध है, जो कि रैलियों में सभी तरफ मार्केट में भी मास्क के लिए बहुत जरूरी, शाम को भी वो चक्कर लगाते हैं आकर के।